चलिए देखिए वर्ड किसके, ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को वर्ड बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। अगर देखें भाषा का विस्तार कैसे होता है, तो पहले होता है वर्ड, वर्ड से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं पद, और पद को जब बांधा जाता है तो उसे बोलते हैं पदबंध, पदबंध से क्या बनता है वाक्य, वाक्य से बनती है भाषा। इस प्रकार से किसी का भी पूछे भाषा सबसे छोटी इकाई वर्ड, वाक्य की भी पूछे तो वर्ड, ये पद का भी पूछे तो शब्द का भी पूछे, सबकी छोटी इकाई कौन होती है वर्ड। ठीक, वर्ड को दो तीन नाम से जानते हैं, एक होता है वर्ड, एक होता है ध्वनि, एक होता है वर्ड ध्वनि और अक्षर। इन तीनों में किसी का भी पूछे कि भाषा सबसे छोटी इकाई कौन होता है, तो आप तीन में से कोई भी दे सकते हैं, चाहे वर्ड भी दे सकते हैं, ध्वनि भी, अक्षर भी, कुछ भी। अगर तीनों में से पूछे, कई बार पूछा है शब्द की छोटी इकाई कौन सी होती है, अगर वर्ड दिया है तो ठीक है, नहीं तो ध्वनि या अक्षर जो भी दिया है वो होता है। और वर्ड आप किसे कहते हैं, जानते हैं कि जो भाषा में जो ध्वनि हम बोलते हैं उसकी जो लिखित इकाई होती है उसे आप वर्ड कहते हैं। भाषा जो भी हम ध्वनि बोलते हैं उसका जो आकार दे, आकार देने का मतलब जैसे हमने लिपि में उसको आकार दे के लिखे तब उसे आप वर्ड कहेंगे, वही अक्षर भी होता है। ठीक, ये हुआ वर्ड। वर्ड के कितने भेद होते हैं, ठीक, वर्ड के कितने भेद होते हैं, कितने, कौन कौन, हाँ जिनके वर्ड के भेद, सर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण शुद्ध किया जा सकता है बिना किसी की सहायता के, किसी दूसरे वर्ड की सहायता से। वे ध्वनिया जिसे बोलते लिखते समय में किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती उसे आप कहते हैं सर, और वे ध्वनिया जिसे बोलते लिखते समय मुझे सर की आवश्यकता होती है तो होती, यानी जो स्वरयुक्त होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वरयुक्त ध्वनि को व्यंजन कहते हैं, और ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इनको बोलते समय, इनको लिखते समय हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यंजन में पड़ती है। व्यंजन जब भी लिखे जाते हैं बिना स्वरयुक्त नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, और स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, ये स्वयं से होते हैं। तो आते हैं पहले स्वर को पढ़ते हैं, स्वर की परिभाषा आप जानते हैं, तो स्वर को पढ़ते हैं, तो स्वर कितने, स्वर के कितने भेद होते हैं, कौन कौन, हिंदी में सर दो ही का प्रयोग होता है, दूसरी का नहीं होता है। हाँ, हिंदी में दो ही होती है, एक होता है, लेकिन सर अगर टाइप पूछता है तो उसमें तो तीन ही सही करता है, मूल स्वर मतलब दूसरा होता है, मूल स्वर ऐसे ही स्वर भी बोलते हैं, और जो दूसरा होता होता है देव स्वर, दो ही भेद होते हैं, तीन ही होते, जो प्लूज होता है वो संस्कृत का होता है। जब पूछेगा सर के कितने भेद होते हैं तो दो होते हैं, ठीक है, एक होता है मूल स्वर, इसको एक टाइम में आप बोलते हैं, और ये होता है दीर्घ, इनसे जब जोर जोर के बनता है तो बढ़ता है दीर्घ, और जो संयुक्त होता है वो सब गिनती में, भेद की गिनती में नहीं आता, इन्हीं दोनों के योग से बनाया जाता है। मैं लिखता हूँ, देखिएगा आप, ये निकाल देता हूँ कैसे कैसे बनते हैं, इसीलिए बस इतना ही जानिए, पहले लिख देता हूँ, ये जो मूल होते हैं इन्हीं सबकी उत्पत्ति होती है, अ ई, ये चार मूल स्वर होते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि मूल स्वर किसे कहा जाता है, तो मूल स्वर किसे कहेंगे, अ ई उ ऋ, इसे बोलते समय सिर्फ एक काल का टाइम लगता है, ठीक है, और दीर्घ क्या होते हैं, इनके बड़े रूप, अ के बाद आ, बड़ी, बड़ा, ऋ का बड़ा नहीं बनता, संस्कृत बड़ी क्या छोटी, अच्छा ये बड़ी, बड़ा, ऋ का जो ये डुबल बनता है ये संस्कृत बनता है, हिंदी में नहीं होता। तो मूल जो होते हैं वो चार होते हैं, और ये दीर्घ हो गए तीन, चार तीन सात, ये हो गए, और बच्चे क्या हमारे संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर,
ये बनते हैं जो संयुक्त स्वर होते हैं वो भी तो दीर्घ स्वर में ही आते हैं ना। बता रही बता रही क्यों बता तुम ए ए ओ ओ गलती से मारिएगा मत, प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, ये भी ऑप्शन रखा था, ये संयुक्त तो होते हैं। हाँ लेकिन जैसे अगर कटेगा उसके अगर तीन करेंगे हर्ष स्वर दीर्घ स्वर प्लस प्लूट होता ही नहीं दो करेंगे तो वो तो सर तब तो दीर्घ में ही आएगा ना। नहीं जब आपसे कभी पूछेगा दीर्घ स्वर क्या होता तो आपको इनको उठाना वो सर अगर आपसे में संयुक्त स्वर को नहीं दिया संयुक्त स्वर नहीं दिया और इसी में से जैसे हर्ष स्वर दे दिया और इसमें संयुक्त स्वर का कोई एक दे दिया तब सर दीर्घ स्वर क्या होगा। अब तक का जब प्रश्न पूछा उसमें से जब दीर्घ स्वर पूछा तीन तीनों ऑप्शनों को रखा इनको नहीं रखता, ये संयुक्त में ही आते, इनको जानते रहिए कभी नहीं आते। और एक बार पूछा था एक है वो दिया था एक आ भी दिया था इनमें से कौन दीर्घ स्वर, तब आप क्या क्लिक करेंगे आ करेंगे तो संयुक्त अलग होते हैं, इनका योग होता है योग से बनते हैं और ये योग से नहीं बनते, ये अपने से मिलने के बाद बड़े हो जाते हैं, इनका विपरीत योग भी हो सकता है अपना भी हो सकता है। देखिए किससे किससे मिलने बनते हैं, ये किससे बनता है किसे और और ये अधन ओ से और ये अधन ओ से बनता क्या है अव, ठीक। तो ये हो गया संयुक्त स्वर, तो पूछ लीजिएगा और इसके बाद इनका उच्चारण स्थान बचता है जो आपसे पूछा जाता है कौन कहाँ से कैसे बोला जाता है, ठीक। आइए देखते हैं उच्चारण स्थान पे आते हैं, इसके उच्चारण कितने स्थान होते हैं 11 स्वरों की जब संख्या पूछी जाएगी तब आपको बताना है 11 होगी, ठीक है। हाँ जो स्वर के भेद देखिए स्वर की संख्या जो होती है वो 11 होती है, कौन कौन होते मैं लिख देता हूँ अ आ ई ई ऊ ऊ दी ए ऐ ए ओ ओ अ क्यों नहीं रखा जाता स्वर में, अन जो होता है लास्ट में वो स्वर निकले वो क्यों नहीं रखा जाता स्वर में, अनुस्वार स्वर में नहीं आते। जब आप शब्द की कैटेगरी में रखते हैं किसको पहले वर्णिता दी जाए तो पहले यही आते हैं विसर्ग आते हैं अनुस्वार आते हैं, उन्हें स्वर में क्यों नहीं रह सकते क्योंकि वो व्यंजन के मेल से भी बनते हैं, अयोग वाह होते अनुस्वार नहीं होते, अयोग वाह तो उनका योग नहीं होता इसलिए उनको स्वर में नहीं व्यंजन में स्थान दे पाते इसलिए उन्हें हम अन्य वर्ण में रखते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके 11 क्या होते हैं सर, जो आप मूल पाए कौन था अ ई उ री, ये चार जो मूल स्वर थे और तीन जो था वो दीर्घ स्वर था और बचे हुए चार क्या थे संयुक्त स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं दो, और आपको पता है मूल क्या होते हैं अ ई उ री और आ बड़ी ही बड़ा वो जो है वो क्या है दीर्घ स्वर। जब पूछा गया प्रश्न में दीर्घ स्वर कौन सा होता है मूल क्या होता है इसको जानते रहिए, ये हो गया। अब आते हैं इनके उच्चारण स्थान के बारे में, ठीक है, कौन कहाँ बोला जाता है मैं इसी बता देता हूँ। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान समझिए, कौन कहाँ से बोला जाता है आप लोग कंटेस्ट है ये पहले कौन चीज कहाँ है आप लोग को आइडिया है, मुर्दा कहाँ है, मुर्दा कहाँ है ये कंठ कंठ हाँ और तालु है कहाँ तालु से ऊपर जो अच्छा हाँ और मुर्दा जो मुंह से बोला जाता है मुंह नहीं खुलेगा तो आवाज कहाँ निकलेगी नहीं सर यहाँ से कुछ निकलता है कंठ करने पे मुर्दा यहाँ है जहाँ आपके दांत लगे होते हैं ये अंदर का भाग, ठीक है। जब आप री बोलते हैं जीभ वहीं टच करती है, देखिए जीभ का क्या रोल होता है, जीभ का रोल सीधे सीधे यही होता है जहाँ से आवाज निकाली वहाँ से आके करके वापस आ जाती है ना,
या कंठ से आवाज आई तो यह बाहर से आई, स्लीप बनती है। अगर जीभ ना होती तो व्यक्ति बोलता कैसे, आप लोग को पता है? बोली नहीं पाता सर। नहीं बोलता जरूर, भाव को व्यक्त करता लेकिन आवाज में बहुत गड़गड़ाहट होती है उसकी, ठीक है? या मोबाइल का आप लोग प्रयोग करते हो सीधे सीधे समझिएगा, मैं बता देता हूँ। आप उसमें स्पीड आता है करने का, है ना, गुड़े 1.5, गुड़े 175 ऐसे आता ना, ऐसे करके बस आप गुड़े 0. कुछ या एक से कम ले लीजिए, जो आपका नाम होता है उससे कम ले लीजिए। देखिए वो जैसे जैसे धीरे धीरे बोलेगा वही स्थिति होगी व्यक्ति के पास, अगर कोई एक अंग कमजोर होगा तो बोलने का क्रम, ठीक है? इससे कंठ की आवाज़ है ये तो सही निकल आएगी क्योंकि जीभ से रोल नहीं होता, लेकिन ऊपर का जितना रोल होता है जीभ ही करती है। आपसे तालू से बोलना हो, मुर्दे से बोलना है, और होस्ट वाले मान लीजिए होस्ट का काम होता है, लेकिन बिना जीवा के ये काम नहीं हो सकता। जीवा एक स्लीपिंग पॉइंट है, आपको भोजन करने में सहायक, बोलने दोनों में सहायक करती है, ठीक है? ये जानते हैं। पहले आ कहाँ से बोला जाता है, ये बोला जाता है कंठ से। कंठ कहाँ है? यहाँ। और उसके बाद आता है हमारी ई, ई ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालू से। फिर आता है ऊ, ऊ ओष्ठ, हाँ ये होते हैं ओष्ठ से। और आता है री, हाँ ये मूर्धा बोले जाते हैं, वही मूर्धा होता है जहाँ री बोलते समय आपकी जीवा ऊपर जाके टच करती है। ये कंठ और ओष्ठ को मिला के बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ओष्ठ, ठीक है? ये हो गए आपके इतने चार स्थान, ठीक है? ये पूछे भी जाते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? कंठ तालु ओष्ठ मुर्दा कंठ ओष्ठ, ठीक है? ऊपर समझ आती है इस बार आप लोग इतना ही लगभग पूछा जाएगा, इसलिए तो नहीं पूछा जाएगा। कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, कौन कहाँ से बोला जाता है, कौन मूल होता है, कौन दीर्घ होता है, कौन, अब उसको जानते रहिए संयुक्त स्वर क्या होते हैं, कौन किसके योग से बनती है, ये भी पूछा जाएगा। बेटा इसको आधे व्यंजन में बात करते जीवा की स्थिति पर कभी कभार पूछता है, उसको आप लोग जानते रहिएगा। जैसे जीवा की स्थिति पर स्वर के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं? जीवा की स्थिति पर स्वर कैसे बोले जाते हैं, जैसे क्या होता है, एक मध्य होता है, एक पश्च होता है और एक अग्र होता है। अग्र से कौन बोला जाएगा, जब जीवा जैसे सक्रिय हो, अब ऐसे भी डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग ऐसे ही कर लेना, वो वर्ड बोलना अगर जीवा आगे से उठ के बोल रही तो वो अग्र वाला भाग होता है, ठीक है? मध्य से सिर्फ अ आता है, जब आप अ बोलते हो, जब रसमोला खाते हो जहाँ उस कंडीशन से जहाँ बीच से आवाज आती है तो वो होता है मध्य। बचे हुए सब पश्च होते हैं, जिसको बोलते समय कम से कम मध्य के पीछे से आवाज़ निकल के आए तो वो होते हैं आपके मध्य से, ठीक है? तो वो ज़्यादा नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते हैं आपको यहीं से पूछा जाता है। आते हैं इसको बात करते हैं व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ स्वरयुक्त ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है, सीधे ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए आपको स्वरयुक्त ध्वनियों को। व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन कहा प्रश्न पूछा गया इस बार, ठीक है? कोई भी व्यंजन जब भी आप लिखेंगे बिना स्वर के सहयोग से बोले ही नहीं जा सकते या लिखे भी नहीं जा सकते। जैसे क लिखते हैं आप तो इसको जब तोड़ते हैं जिससे आ बाहर निकलता है, ये जरूर सबसे ज़्यादा तो आ का ही रोल होता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा क्या लगभग यही होता है, ठीक है? और इससे तो इसे पा बचता है, और जैसे ही स्वर गायब हो गए आप कैसे पढ़ेंगे इसे? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब भी बोलेंगे तो आ का प्रयोग आना लगभग हो ही जाता है, ठीक है? आइए
कितने व्यंजन कितने वेद नहीं व्यंजन संख्या कितनी है? जो व्यंजन की मूल संख्या होती है वो कितनी होती है? 35। ठीक है, कौन कौन क्या क्या होता है मैं लिख देता हूँ। ये पांच तो वर्गीय स्वरसी व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखते चलता हूँ, युक्त कोष्ठक कर दे रहा हूँ। इसे भी क ख ग घ ग च च ज झ ञ ख ग ध ण प ख ग ध न प प ध ध म। ये 25 जो होते हैं इसे हम वर्गी या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्गी से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पांच पांच वर्गों में बैठे होते हैं, और स्पर्शी को बोलते समय कहीं ना कहीं से जीवा मारेगा होते या कहीं ना कहीं से स्पर्श करके ध्वनियां बाहर आती है। ठीक है, इसलिए ये जो 25 है इन्हें हम वर्गी या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये उठ के आता है, सुनेंगे आप लोग पहले। सबसे पहला प्रश्न पहले काका गगा ही लाइन को मैंने क्यों रखा? इधर से तो भी रख सकते थे, इसको भी तो रख सकते थे। वरीयता मैंने पहले काका गगा क्यों दिया, कब क्यों दिया? मेन सवाल यहाँ से है कि पहले काको ही क्यों लाइन लाइन नीचे से भी तो आ सकती थी, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सबसे पहले नीचे जाते समय हमारा कंठ पड़ता, कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ ये जो काका गगा निकलती है वो कहाँ से निकलती है? कंठ से। दूसरा क्या होता है, फिर मैंने चर्चा चर्चा ये क्यों रखा? कंठ के बाद आता है तालु, तालु से निकलने वाली ध्वनियाँ, तालु से क्या निकले? चर्चा चर्चा, है ना। फिर उसके बाद आता है मुर्दा, मुर्दा से निकलने वाली ध्वनियाँ ट ठ ड ड। फिर उसके बाद त ठ ड ड न, ये दंत ध्वनियाँ हैं। और फिर प फ भ भ, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? हाँ वो। तो ऐसे नीचे से आने का जो क्रम था उसी क्रम से मैंने इसको रखा। ठीक है, आइए आगे लिखते हैं। माँ के बाद क्या है, आप लोग लिखते रहिए लगातार। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? फिर इसके बाद क्या बचते हैं? ये क्या है? उष्ण व्यंजन। इनको बोलते समय सबसे ज्यादा घर्षण होता है, उष्मा निकलती है। जब आप बोलते हैं शतीनों सब में क्या डिफरेंट है? एक सर उच्चारण स्थान सबका अलग अलग होता है। किसका कहाँ कहाँ है? जैसे सर उसका तालब भी होता है बड़ा सा का, और उसका होता है मूर्धा होता है, और उसका दंत होता है। हाँ सही, तीनों का उच्चारण स्थान अलग होता है, और तीनों में डिफाइन कैसे करेंगे? शुद्ध यही है, शुद्धियाँ तो निकल के आती। कैसे हम बोलते हैं शंकर बोलना हो, जब हम शंकर बाबा के पास जाते हैं, हे शंकर बाबा मेरा ध्यान करें, या फिर मैं कोई भी हम आप देवता के पास गए, हाल ही में आप लोग गए होंगे, ये महाशिवरात्रि नज़दीक थी, है ना, आप शंकर बाबा को मनाने गए होंगे तो किस्सा का प्रयोग किए होंगे, आप बोलते समय कैसे बोले होंगे शंकर? वहाँ कोई शंकर नहीं बोलता कि एकदम सही प्रयोग जो आए वो मोधा से ही आए, ऐसा बोल पाते हैं लोग या ऐसे? उसको बोलते समय सबसे ज़्यादा हम लोग ये भाषा का प्रयोग कर लेते, ये गलत है। और यही वजह है मुझे लगता है मान और मुरादें पूरी नहीं होती व्यक्ति, सही बाबा का उच्चारण नहीं करेंगे तो बाबा सही प्रसाद नहीं वितरण करेंगे, है कि नहीं? ये हम जिनका प्रयोग करना चाहिए इनका नहीं, ये सबकी त्रुटियाँ हैं। हम जिस लोग त्रुटियाँ हम लोग ऐसे ही करते हैं, शंकर ऐसा बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि थोड़ा आजकल के जो बोल चाल की भाषा लोग समझ जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेकिन सही से शंकर बाबा तो यही है, लेकिन समय मैं बड़े से का ही प्रयोग करता हूँ, लेकिन लोग बोलते समय शंकर बाबा ये शंकर बोल के चले जाते हैं, ये त्रुटि होती है। तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, ये इन तीनों में डिफरेंट भी है, तीनों सेम है। ठीक है, आइए इनकी संख्या चार होगी, और जितने भी 25, 24, 29, 30, 35 ये तो मूल हो गए। ठीक है, इनके मूल हो गए, इनकी संख्या खत्म, यही आप मूल 33 पड़े थे। इनके बाद का रोल आता है छ त्र य स्र। ठीक है, इनकी संख्या चार, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। किसके लिए सहयोग से बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है। सबके नीचे ये जरूर रहेगा, चाहिए
आधा होता है उसमें। ये साइन क्या कहता है? वो सिर्फ काज होता है वो, मतलब उसमें मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मुझे ये पता है स्वर नहीं इसमें। ये है क्या, ये जो मैं चिन्ह लगा हुई क्या है? तो सर वो चिन्ह लगाने पे उसमें से स्वर निकल जाता है। मुझे पता है चिन्ह का प्रकार क्या है, कहते क्या है इसे? हाँ ये तो मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, ये किससे बनता है? तो रस सही लिख रहा हूँ? हाँ ये सब सही लिखा हूँ। सही है। चलिए सही। ये बताइए, जब मुझे ये पता था कि इनका मतलब कुछ नहीं होता, नथिंग बोलते ना इसे, अंदर माने कुछ ना, ये माने कुछ नहीं, लोग बोलते हैं आगे, जब ये कुछ नहीं है तो क्यों आए, क्या जरूरत थी इनकी आने की? भाई जिसका मतलब कुछ नहीं होता, लोग बोलते भाषा समय तो मैं अंग समझता हूँ, ये समझता हूँ, आड़ा समझता हूँ, जब इसका रोल ही नहीं आया क्यों? इसका प्रयोग होता है, ठीक है, बस हम जानते हैं कि ये अनगढ़ होते हैं। आप संधि वगैरह जब भी पढ़ेंगे तो हर पंचम अक्षर का उनका रोल होता है, ठीक है। यहाँ से बस दिखने लगता है इनका कुछ नहीं, बच्चों को शुरू में अगर ये सिखाया जाता कि इनका मतलब कुछ होता है तो वो जानने का प्रतिक्रिया करता, लेकिन उससे नहीं पता था वो तो पढ़ा अंगा माने कुछ ना, नहीं है माने कुछ नहीं, ये कुछ नहीं नथिंग होते हैं, लेकिन इनका रोल होता है। अभी आएगा समझ में, रोल दिखाऊंगा आप लोग को, ये पचमें का रोल होता है कहाँ से। यहाँ पर से तो नाम पढ़ने लगे हैं, किरण अरुण, ये अरुण है ना, नामों का नाम होता है, मन भी नाम आता है, पीछे पीछे जुड़ा होता है। ये अंग ये थोड़े ज़्यादा खाली दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आता है रोल इनका। जब हम अपने आप पूर्वांचल पहले लिखा करते थे तो पूर्वांचल कुछ ऐसा लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाया करता था ना? अरे ऐसे नहीं लिखा जाता। अच्छा सुंदर पढ़ा लिया ये, जिसके अंग को हर पंचमा अक्षर को लगभग बदल दिया गया, ले लिया गया ये बिंदी और लिखा जाएगा पूर्वांचल। तो वैसे ही लिखा हुआ है। नहीं का कहाँ लिखा है? यूनिवर्सिटी जो है सर उस पे ऐसे ही पूर्वांचल लिखा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी को आपको पता होगा संशोधन कब होता है, सिर्फ प्रिंट करा दे वही उनकी बहादुरी है, ठीक है, संशोधन नहीं होता। तो आज का नहीं लिखा है ये सब, 1985 में लिखा भी, जबकि बनी होगी यूनिवर्सिटी तब का लिखा भी गया होगा, अब लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हर पंचमा अक्षर लगभग अनुस्वार में बदल दिए जाते हैं, कुछ होते जो नहीं बदलते, जैसे रोल सुन लीजिएगा, जब हम पंडित लिखते हैं ना ये लिख देंगे तो ये अशुद्ध माना जाता है, अब भी अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। मुझे ऐसे लिखते समय हमेशा इस पंडित का रोल करना है, ये आड़ा का प्रयोग एकदम भी इम्पोर्टेंट है, ये सत्य है, ठीक है। कुछ जगह है जहाँ लगाया जाता है, जैसे कुछ नामों में हम लिखते हैं, जैसे पहले संतोष लिखते थे ये है ना, ये भी सही, अब ये भी रोल बदल गया, ये भी सही है ना, दोनों सही, लेकिन ऐसे जगह पे ये रांग है, ये सही है, ठीक है, ये रोल है इस पंचमा अक्षर का है ना। लेकिन हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से इनका कोई रोल नहीं है और ये नगड़ी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक। आइए बात करते हैं आगे। ये तो हो गया क्या संयुक्त व्यंजन और किन किन नियोग से बनते हैं इनको आप जानेंगे। दूसरी चीज यहाँ से ये पूछी जाती है, वर्णमाला में इनका स्थान कहाँ है, रियल छत्री कहाँ है? अभी पूछा जाएगा छत्री कौन सा वर्ड है, क्या बताएंगे आप लोग? अरे ये तो सबको पता है संयुक्त व्यंजन, सब बच्चे भी छोटे आते हैं उनके पढ़ते हुए, उन लोगों को भी पता है संयुक्त व्यंजन। पूछा जाएगा इस वर्णमाला का स्थान इनका कहाँ है, वर्ड की संख्या कितनी पड़ेगी, 52 है ना, उसमें सब कुछ हम पढ़ डालेंगे, थोड़ा सा और बचा है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा कहीं भी, ये बाहर है, फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं उद्योग लिखते समय, विद्यालय करते समय लिखते हैं ना जी। और ये संयुक्त व्यंजन के पास का ही रोल है, ठीक है, समझिएगा। ये देखिए जैसे ये संयुक्त है वैसे इस देह को भी संयुक्त में लिखते हैं हम लोग है ना, लेकिन इसका रोल नहीं होता, ठीक, इसका रोल नहीं होता, हम इसका प्रयोग करते नहीं, काउंट नहीं करते। आपको पता होगा जब ग्रामेटिकल तुलना की जाती है तो जितने हमारे ग्रामर विषय चाहे वो तेलुगु के हों, जितने भी लिटरेचर सब्जेक्ट है सब में है, सबसे ज़्यादा वर्ड की संख्या हिंदी में है, 52 लिखने के बाद भी साइलेंट चलता है यहाँ पे, है ना। अंग्रेजी 26 में 70 है, सीधे आधे पे है, उसमें बहुत साइलेंट चलता है। 9th देख लीजिए, नौ को देखिए जो KNOW लिखा जाता है ना, वो चेंज होता है। हिंदी लगभग जैसे ही लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है ना। कुछ जगह आपको लगता होगा भ्रमित होता होगा, जैसे मैं बताता हूँ
एक नाम है स्मिता, एक है स्कूल, एक है श्याम, है ना। वही आधा सा का रोल कैसे बदल जाता है पता है आप लोग को? देखिए आप ऐसे जब लिखते थे तब इसे स्कूल पढ़ते हैं, है ना। ऐसे जब लिखते हैं श्याम पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं स्मिता पढ़ते हैं। भाई ऐसा क्या रोल है कि जो इसको आप इजी पढ़ रहे हैं इसको सपढ़ दे रहे हैं? सिर्फ अ और आ को छोड़ने के बाद, ठीक है, जितने भी आपके स्वर जुड़ते हैं पीछे उसको आप ई से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप ई स्कूल स्कूल बोलते हैं ना, इसको श्याम बोले आगे आ का मात्रा था इसके वजह से ये रोल होता है। ऊ लगे ऊ ए ऐसी कंडीशन लगती जाए तो आप ई से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको श्याम पढ़ेंगे, देखिए इसको स्मिता पढ़ते हैं, पहले से ही तो नौकर लग चुकी है, है ना। आगे की मात्रा को देखिए आगे क्या लग रहा है, उसके आगे के कारण निर्धारण होता है। देखिए अभी अकेले होता शब्द इसे आप क्या पढ़ते हैं, है ना, लेकिन इसके आगे वाले जब मात्रा लगेगा तुरंत भाव बदल जाएगा, ठीक है। ये मात्रा देखिए, यहाँ का मात्रा देखिए, यहाँ पे देखिए अंतर है। ये ही तो पहले से लग गया है इसलिए इसको स्मिता पढ़ते हैं। स्मरण है आपको, देखिए यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसको स्मरण क्यों नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसको? स्मरण क्यों नहीं पढ़ी? आ की मात्रा है, ठीक है। जैसे ही वो होगा किताबों के लिखा ऐसा ज्ञान नहीं है, स्वयं बैठाना भी पड़ता है, ठीक है। अब पढ़ के देखिए बहुत चीज़ें होती है, जैसे षड्यंत्र और खड्यंत्र का मामला आता है, कौन सा होता है कौन खा होता है, कब क्या होता है, रूल पता है? मुर्दा वाला होता है सब तो उसको खा बोलते हैं। चलिए बताइए तुम जो भी सुना था इसको क्या है, षड्यंत्र ये क्या खटकोट पड़ता है सर इसमें क्यों? अगर आप यहाँ तुरंत बता दिए षड्यंत्र है, अब ये षटकोण क्यों नहीं हुआ? कुछ तो रोल होगा, यही विषमता है, यही वजह एक तो नागरी लिपि अब भी विवादित है कुछ मामले को लेकर कि भाई यहाँ पे आपने इसे सब पढ़ दिया, यहाँ पे आप इसे ख पढ़ दिए, कब ख कब सब पढ़ लेते कोई आइडिया नहीं है। दो तीन चीज़ें और हमारे जो शुद्धियाँ शुद्धि हैं, जैसे आज हम आजकल कुछ लोग ऐसे जो ख का प्रयोग ऐसे करते हैं इसको हम रो भी तो कर सकते हैं। ऐसी बहुत त्रुटियाँ हिंदी में भी 52 वर्ड होने जाने के बावजूद भी त्रुटियाँ भी शामिल हैं। संशोधन लगातार हो रहा है, कुछ ना कुछ शुद्धियाँ आएंगी, जैसे हर पंचमाक्षर लगभग अनुस्वर में बदला जा रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ लगातार संशोधन हर लिटरेचर में चलता रहता है, ठीक है। ये हो गए आपके, ये हो गए आपके चार संयुक्त व्यंजन, हो गए होंगे 48 संख्या हो गई, 11 वो थे ये 35 और 37 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। बस ये चार वर्डों को मैं दिखाता हूँ, वो ये जो अन्य वर्ड में आते हैं, 52 होते हैं वर्ड ना, एक होता है आपका अन अ, एक होता है आपका द, एक होता है ढ, ये जो दोनों को मिला के हम बोलते हैं ये होते हैं अयोग वा, ठीक है। इनका योग नहीं होता इसलिए इनको अयोग वा बोला जाता है। ANAH अंग्रेजी भी आप जानते होंगे इसकी होती है, ये होते हैं ड और ढ को बोलते हैं उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब होते क्या जानिएगा, उच्छिप्त का मतलब होता है फेंकना, फेंक कर बोलना। जब आप इस ढ और ढ का प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं फेंक, जैसे आप बोलते हैं मेढक ऐसे चढ़ लिखते ना, और ये मेढक लिखते हैं तो समय इसी का प्रयोग करते हैं, इसका नहीं मेढक या ढकन का, है ना। इसे आप पढ़ते समय हम लोग बोलते थे जैसे सड़क, गलत है ये सड़क, ऐसे बोलना है इसे कि युवा उठनी चाहिए, उच्छिप्त का मतलब होता है इसे फेंक के बोला जाए, और जैसे कि आप जीवा नहीं उठती आप सही नहीं बोलते, हम आप बोलते थे मेढक, सही ढंग से उसे मेढक ऐसे पढ़ना था, लेकिन हम आपकी भाषा जो पहले से बनी चली आई है उसी लैंग्वेज हम बोलते चले जाते हैं, बच्चे भी उतरते चले जाते हैं तो लगातार हम लोग सड़क मेढक बोल रहे हैं, है ना। और ये जो आपसे पूछ रहे थे इसका ये मेन स्थान वर्ड वाला हम कहाँ है तो समझिएगा, जितने पहले वर्ड हैं उसी के बीच में इनका स्थान होता है, यानी छछत्री क के बाद आता है यहाँ पे, ठीक है, इनका स्थान यहाँ पे, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा था। दूसरी चीज़ें
प्रतिशूल कहाँ होगा, त और थ के बीच में, यहाँ पे प्रतिशूल का स्थान होता है। ठीक है, ऐसे ज्ञानी बाबा कहाँ आते हैं, ज और ज के बीच में, और वो जो नीचे गया है सरफ, ये श और के बीच में, तो सरफ और ये यहाँ, ये इनका स्थान, यही से निकल के बाहर टलते हैं। सर एक बार सीटेट में यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब वर्णमाला का ही था कि उसमें जैसे वर्णमाला करी स्टार्ट होती तो पहला वर्ड उसमें कौन सा होता है, चल ये था उसमें सर अंगा दिया था, अंगा सही था। नहीं आप सही नहीं देखी होंगी, अंगा नहीं दिया था, पूछेगा कि जब ये शब्द बनते हैं शब्दकोश को क्रम रखा जाता है तो सबसे पहले विसर्ग आता है, अंगा नहीं, ये विसर्ग का रोल होता है ये वाला, उसके बाद अनुस्वार होते हैं, ये शब्दों का क्रम होता है बैठाने का, हम दूसरे दिन शब्दों में से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सर जो आप बता रहे हैं कि का के बाद छ आता है तो उसमें तो यही आता है, ऐसे ही आता है अब, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसी के बीच में जो एकदम, बस बस मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। एक प्रश्न मेरे में भी आया था कि छत्री का स्थान कहाँ होता है, तो क के बाद ये पूछा था, क के बाद फिर यहाँ दिया था छत्री, इसके बाद कहाँ चला गया, ह के बाद इस कंडीशन पे वो दिया था, तो वहाँ क के बाद दिया था छत्री को, इतना हो गया। अच्छा इनके बारे में थोड़ा बता रहे थे कि रुगण जो उच्चित में हम जीवा फेंक कर बोलते हैं, सड़क मेढक ऐसे बोलना भी है आपको, ठीक है, ये शुद्ध होते हैं, हम आप जनरली भाषा में सड़क और मेढक बोल देते हैं, वो गलत होता है उच्चारण स्थान, लेकिन उच्चारण स्थान हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब है नहीं, बस लोग भाषा को समझे, लोग इतना ही समझते हैं तो बोल देते हैं, ये सब है, नोट कर लीजिए हम लोग। और रही बात उसकी, ये हो गए 52 वर्ड हो गए, थोड़ा सा और बता देता हूँ, उच्चारण स्थान करना होगा। ये जो मामला षटकोण और आया उसका षड्यंत्र का, उसको देख लीजिए, और एक है षड्यंत्र, जनरली समझिएगा डिफरेंट क्या है, समझिएगा ये क्या है, सखा बोलते हैं ना इसे, समझिएगा, जब इसके बाद किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड है, ठीक है, देखिए जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है ट ठ, यानी क ख, ऐसे कंडीशन पे है, ऐसे कंडीशन पे आए तब इसे आप खा पढ़ते हैं, सपोज एट मैं ये ख बना रहा हूँ, ठीक है, इसे आप खटकोड़ बोलते हैं, ठीक है, और जब इसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ड आए तब इसे आप स पढ़ेंगे, तब इसे आप षड्यंत्र बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कभी कोई उच्चारण स्थान पूछ सकता है, ठीक है, या किसी भी मॉडल में पूछेगा तो आप, कि इसमें पहले कौन आएगा, किसके, अगर इसका क्वेश्चन बनाए कि इसमें पहले कौन सा अक्षर आएगा, किसमें, षटकोड़ या षड्यंत्र, षटकोड़ या षड्यंत्र में, शब्दकोश में बैठाने क्रम पे, बस आपको पढ़ाइए, मैं जैसे ही वर्ड खत्म होगा पहले मैं आपको शब्द ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है, उसमें सारा मॉडल हल हो जाएगा और सीधे सीधे समझिएगा उसको फैक्टर किया जाता है, जैसे आप बोल रही ना ये सर और षड्यंत्र भी ना, यही से देख लीजिए कौन आएगा, अंग्रेजी डिक्शनरी पढ़ी होगी ना वर्णमाला क्रम, मोबाइल चलाते होंगे आप लोग, उसमें डालिए देखिए पूरा एडवेंचर खुल जाता है, पूरा उसका सांचा जो होता सब खुल जाता है, तो सुनिए यहाँ पे देखिए, इनके बाद ये ट है और ये है ड, है ना, तो पहले इनका क्रम है, इसके बाद ये सीधा गया और यहाँ गया कर है, सबसे पहले इनको और इतना मिलेगी, उसके बाद इनको मिलेगी, यही तो कोर्स है, और इसे आप लोग पढ़े होंगे ना, कि आप पोस्टमार्टम करिए, वर्ड को चीरफाड़ करिए, सीधे आंसर लेके आइए, नहीं पता है तो भी आ जाएगा, मैं बताऊंगा उसका रोल है संधि में आप लोग को किस प्रकार से किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कल आप इसका उच्चारण स्थान आप लोग को बताते हैं, ठीक है, कल बताते हैं।